हाय गाइस, मेरा नाम दीप्तन, आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्तनुशील को। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये अपडेट नोट तो देख ही चुके होंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ट्यूसडे 18 मई को फेसबुक ने बोला था वी रीबिल्ड आवर पोस्ट कंपोजर। यहाँ पे नेम इटसेल्फ पोस्ट कंपोजर, मतलब कि हम जो फेसबुक पेज पे पोस्ट करते हैं उसको हम अच्छे से कंपोज कर पाएंगे, उसका प्रीव्यू देख पाएंगे, इसका एक टूल को अपडेट किया जा रहा था फेसबुक के हवाले से। और अभी ये टूल जो है वो अपडेट हो चुका है और आप में से बहुत सारे क्रिएटर को ये नोट फिर से दिखने के लिए मिल रहा है। और बहुत सारे लोगों को इस नोट के साथ जैसे ही क्रिएटर स्टूडियो के अंदर आता है तो यहाँ पे जो ऑप्शन आते हैं इस पे भी एक ऑप्शन जो है टेक ए लुक एट द ब्रांड न्यू पोस्ट कंपोजर करके एक ऑप्शन आ रहा है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है क्या है ये अपडेट, तो आज के इस वीडियो पे पूरा बताऊंगा ये पोस्ट कंपोजर का क्या फायदा है एज ए क्रिएटर और ये आपको कहां से यूज करना है, कैसे यूज करना है। तो अगर आपको भी ये ऑप्शन अभी दिखने के लिए मिल रहा है आपके भी फेसबुक पेज के अंदर तो जरूर कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताना, ताकि हमें एज ए कम्युनिटी पता चले कितने प्रतिशत लोगों को ये अपडेट अभी फिलहाल मिला है और देखने के लिए भी मिल रहा है ऑप्शन के तहत। तो यहाँ पे आप जो देख सकते हो यहाँ पे भी मेंशन किया गया है वी रीबिल्ड आवर पोस्ट कंपोजर टू गिव यू मोर पब्लिशिंग ऑप्शन। इस पे आपको बहुत सारे क्रिएटिव फैसिलिटी दिया जाएगा ताकि आप लोग आपके पोस्ट को अच्छे से कंपोज कर पाओ और पब्लिश करने से पहले उसका क्या होगा, पब्लिश करने के बाद लुक फेसबुक पेज के अंदर वो आप पहले ही देख पाओ। तो इसको करने के लिए आप लोग यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, नहीं तो जैसे ही आप क्रिएट पोस्ट पे क्रिएटर स्टूडियो पे आने के बाद क्लिक करोगे आप लोगों को कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा क्रिएट पोस्ट करके। तो दोस्तों, ये नॉर्मल पहले था, इस पे हम क्लिक करके पहले पोस्ट किया करते थे इमेज या फिर लिंक या फिर वीडियोस। अब क्या होगा, आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो ऊपर आपको एक नोट देखने के लिए मिलेगा वेलकम टू द न्यू पोस्ट कंपोजर। बहुत सारे लोगों को ये ऑप्शन दिखने के लिए ऑलरेडी मिल रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो यहाँ पे लिखा जैसे है कि आवर पोस्ट कंपोजर हैज ए ब्रांड न्यू लुक। हाँ, सही में ये ब्रांड न्यू लुक है और क्रिएटर लोगों के लिए ये जो ऑप्शन है ये काफी किफायती है। तो दोस्तों, अब हम पता करते हैं ये जो पोस्ट कंपोजर है, यानी कि हम लोग हमारे पोस्ट को अच्छे से कंपोज कर पाएंगे और उसके साथ प्रीव्यू देख पाएंगे पब्लिश करने से पहले, वो सारे फीचर कैसे होगा, कैसे करना है और कैसे दिखने के लिए मिलेगा, ये अब हम करके देखेंगे प्रैक्टिकली। तो यहां पे आप देख सकते हो इसके तहत बोला ये गया है कि आप डिफरेंट प्लेसमेंट पे आपके जो पोस्ट है उसको देख पाओगे, यानी कि डेस्कटॉप से अगर कोई बंदा या लैपटॉप से कोई बंदा आपके पोस्ट को देखेगा तो उसका क्या लुक होगा, मोबाइल से देखेगा तो उसका क्या लुक होगा, और आप कैसे कंपोज कर रहे हो और कंपोज करने के बाद कैसे उसका लुक होगा उसके हिसाब से आप एडिट भी पहले ही कर पाओगे, ताकि पोस्ट करने के बाद आपको उस पोस्ट को एडिट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं हो। और यहाँ पे ये जो पोस्ट कंपोजर ऑप्शन लाया है इसके तहत आपको बहुत सारे फंक्शनलिटी क्रिएटर स्टूडियो के अंदर ये पोस्ट क्रिएट पोस्ट वाला ऑप्शन के अंदर ही मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही आप आओगे तो नीचे आप देख सकते हो जनरल करके एक ऑप्शन है जहाँ पे हम लोग पोस्ट के टेक्स्ट लिखते हैं। तो से फॉर एग्जांपल अभी ये टेस्ट है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट पोस्ट करके, ठीक है। तो टेस्ट पोस्ट मैंने लिख लिया और ये वाला पार्ट पे दोस्तों आपको प्रीव्यू देखने के लिए मिलेगा। आप जो भी मतलब कंटेंट रेडी करोगे पोस्ट करने के लिए उसका प्रीव्यू यहाँ पे साफ साफ दिखने के लिए मिलेगा। अब देख सकते हो ये जो अभी मेरे पेज पे मैंने टेस्ट पोस्ट लिखा तो यहाँ पे टेस्ट पोस्ट अगर मैंने पब्लिश किया तो ऐसे लुक पे दिखने के लिए मिलेगा डेस्कटॉप वर्जन पे। अब इसको मोबाइल पे आप देखना चाहते हो तो मोबाइल न्यूज फीड पे कैसा दिखेगा वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे सिलेक्ट करूंगा तो मोबाइल पे इस लुक पे आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे जैसे आप कंपोज करोगे वैसे वैसे यहाँ पे प्रीव्यू देखने के लिए आप लोगों को मिल जाएगा। तो हालांकि मैंने यहाँ पे जो है मेरा टेक्स्ट जो है वो कैसा होगा वो लिख दिया है और उसके बाद मैं चाहता हूं यहाँ पे एक इमेज को पोस्ट करने के लिए, तो आप देख सकते हो मीडिया फाइल आपको यहाँ से ऐड करना है। यहाँ पे इमेज के लिए पहला वाला है, दूसरा वाला वीडियो को ऐड करने के लिए, और तीसरा वाला अगर आप
को लाइव जा रहे हो, लाइव पे जाने के लिए तीनों ही ऑप्शन है। तो सेफर एग्जांपल मैं अभी इमेज के लिए कर रहा हूं, तो मैं यहां से एक इमेज उठाता हूं, मेरे ही जो लोगो है या फिर मेरे कोवर को उठा लेता हूं ताकि आप लोगों को बेहतर दिखने के लिए मिले। तो मैंने मेरे इमेज को यहाँ पे अब अपलोड पे लगा दिया। आप देखना ये जैसे ही इमेज यहाँ पे रेडी होगा तो इसका जो प्रीव्यू है, जो अगर मैं पोस्ट करूंगा तो कैसे दिखने के लिए होगा, फेसबुक पेज पे अगर पोस्ट होगा तो डेस्कटॉप पे इस तरीके से ये पोस्ट देखने के लिए मिलेगा, मोबाइल पे देखूंगा तो कैसा मिलेगा, ऐसा आएगा। तो ये पहले से ही हमें यहाँ पे लुक एंड फील के साथ देखने के लिए मिल रहा है। यही सबसे बड़ा बेनिफिट है पोस्ट कंपोजर टूल का। अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हो और टेक्स्ट जो है तीन चार लाइन पे जा रहा है, कट हो रहा है, तो वो भी यहाँ पे शो कर देगा। तो उस हिसाब से हम एडजस्ट कर पाएंगे अपने टेक्स्ट को कैसे अट्रैक्टिव लिख पाए। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, आप चाहो तो यहाँ पे लिंक भी ऐड कर सकते हो। कभी कभी हम लोग पोस्ट नहीं, कुछ लिखते नहीं है, सिर्फ एक लिंक को, जैसे कि यूट्यूब के एक लिंक को शेयर करते हैं, तो लिंक शेयर करने के लिए भी ऑप्शन यहाँ पे है और उसका प्रीव्यू भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको ये लिंक फीचर को अगर यूज करना है तो आपको यहाँ पे कोई भी कलर, टेक्स्ट कलर नहीं रखना है और उसके बाद यूज करना है। तो मैं अगर इमेज को हटा दूं यहाँ से, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्वायर फॉर्मेट पे कैसे है, ओरिजिनल ये पोस्ट है, स्क्वायर पे कैसा दिखेगा, हॉरिजॉन्टल में कैसा दिखेगा यहाँ पे, और फिल्टर लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो, अगर आप ऑल टेक्स्ट लगाना चाहते हो इमेज पे वो भी लगा सकते हो। तो इन सारे फीचर जो है आप यहाँ पे यूज कर पाओगे ये पोस्ट कंपोजर के अंदर, ये सारे बेनिफिट है। और चाहो तो लिंक भी यूज कर सकते हो, उस केस पे आपको इमेज नहीं यूज करना है, सिर्फ लिंक यूज करना है। तो इसको आपको चेक करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे जाके आपको जो है कोई भी कलर थीम चूज नहीं रहना है। तो मैं अनचेक में क्लिक करूंगा ताकि कोई भी जो कलर है वो ना रहे। उसके बाद आप इसको चेक करके इसको विजिबल करवा सकते हो और यहाँ पे लिंक डाल सकते हो। हालांकि अभी मैं कोई लिंक पोस्ट करके आपको दिखाने वाला नहीं हूँ, तो मैं इसको छोड़ता हूँ। उसके बाद दोस्तों इसी पोस्ट पे आप लोग जो है अगर चाहो तो लोकेशन, आप जिस लोकेशन से भी हो, अगर इंडिया से हो तो इंडिया या फिर कोई भी रीजनल पार्ट से हो तो ये भी आप यहाँ पे चूज कर ले सकते हो, जिससे कि आपका पोस्ट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगा और बहुत ज्यादा नीच ऑडियंस के लिए होगा। देख सकते हो मैंने इंडिया जैसे ही डाला यहाँ पे सब कुछ इंडिया वाला आ गया। तो यहाँ पे और भी मोर ऑप्शन है जिसपे आप लोग जाके जो फीलिंग वगैरह है, हम लोग इमोजीज वगैरह डालते हैं, वो भी आप यहाँ से चूज कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन है सारे, और अगर आप चाहते हो कोई एक्टिविटी डालने के लिए तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे है सारे, तो आप यहाँ से भी चूज कर सकते हो। तो यही है पोस्ट कंपोजर टूल का पावर। और यहाँ पे कॉल टू एक्शन अगर लगाना चाहते हो तो ये भी आप कर सकते हो, यहाँ पे जाके कुछ भी आप चेंज करके इमेज पे कॉल टू एक्शन जो लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। तो ये भी एक मतलब अच्छा ऑप्शन है। और उसके बाद दोस्तों फाइनली आता है पोस्ट को, अगर आप पब्लिश करना चाहते हो तुरंत तो यहाँ से पब्लिश कर सकते हो, नहीं तो आप शेड्यूल पे लगा सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे ऑप्शन है, कितने बजे कौन सा डेट को आप चाहते हो इस पोस्ट को शेड्यूल करने के लिए, तो ये भी आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पोस्ट इंडिया से किया जा रहा है क्योंकि इंडिया मैंने सिलेक्ट किया था, हालांकि मैंने इमेज को डिलीट कर दिया इस वजह से इमेज शो नहीं हो रहा है। जैसे ही मैं यहाँ से इमेज को फिर से सिलेक्ट कर लूँगा तो वो भी आप मतलब प्रीव्यू पे शो करना शुरू हो जाएगा। तो ये एक पावरफुल टूल है फेसबुक क्रिएटर लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग अच्छे तरीके से देख के सिलेक्ट करके फिर पोस्ट को जो है पब्लिश कर पाओगे, क्या लुक होगा, क्या डिजाइन होगा, और सारे फीचर यहाँ पे मौजूद है। आने वाले समय पे फेसबुक का ये कहना है कि इस पोस्ट कंपोजर टूल के अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शन को ऐड किया जाएगा। तो आने वाले टाइम पे इसके अंदर आपको और भी ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, और उसके साथ ये यहाँ पे आप दोनों ही लुक जो है देख पाओगे, मोबाइल पे पोस्ट करने पे कैसा होगा और फेसबुक अगर डेस्कटॉप या लैपटॉप से पोस्ट किया जाए तो उसका लुक कैसा होगा। तो यही एडवांटेज है दोस्तों ये पोस्ट कंपोजर ऑप्शन का, जो कि अभी हाल ही में लॉन्च किया है फाइनली रीबिल्ड करके। तो आप में से बहुत सारे क्रिएटर को ये ऑप्शन अभी देखने के लिए मिलेगा, कुछ इस तरीके का नोट भी आएगा और बहुत सारे लोगों को जो क्रिएटर स्टूडियो के नोट है ये भी देखने के लिए मिलेगा। और बहुत सारे लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि जो मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखाया ये भी देखने के लिए मिले। तो ये सारे चीज मिला के इकट्ठा एक ही चीज है, वो है
पोस्ट कंपोजर टूल जो कि क्रिएटर स्टूडियो के अंदर अब नया फीचर है, फेसबुक में न्यू तरीके से उसको रीबिल्ड करके प्रेजेंट किया है। इससे क्रिएटर को बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना, कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हो अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी का नाम करो दोस्तों, बाय।